कौन है अश्विन कुमार जिन्हें कहा जाता है देवताओं का डॉक्टर? आज हम आपको हिंदू धर्म के चिकित्सक यानी डॉक्टर माने जाने वाले अश्विन कुमारों के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें दो अश्विन कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में ज्योतिष एक्सपर्ट की जानकारी के आधार पर आइए जानते हैं कि कौन है अश्विन कुमार जो मनुष्य ही नहीं देवताओं को भी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और जिनकी कृपा से आयुर्वेद में हर एक रोग का इलाज संभव है। आखिर कौन है अश्विन कुमार? मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है अश्विन कुमार? अश्विन कुमार भगवान सूर्य और माता संज्ञा के दो पुत्र हैं। असल में इनका नाम नासत्य और दस्त्र है, लेकिन अश्व यानी की घोड़ी से उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम अश्विन कुमार पड़ा। हालांकि इन्हें अश्विनी कुमार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इन्हें देवताओं का चिकित्सक यानी कि डॉक्टर माना गया है। सूर्य देव के दोनों पुत्रों अर्थात अश्विनी कुमार को वैदिक कालीन आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अश्विनी कुमारों के पास वो क्षमता है कि इनकी कृपा से भयंकर और लाइलाज रोग भी दूर हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध में जब देवता असुरों के अस्त्रों से भयावह रूप से घायल होते थे, तब अश्विनी कुमारों की औषधि ही एकमात्र इलाज मानी जाती थी जो देवताओं को पुनः स्वस्थ कर सके। पौराणिक कथा के अनुसार अश्विन कुमारों ने आयुर्वेद की शिक्षा और समस्त ज्ञान दक्ष प्रजापति से अर्जित किया था। माना जाता है कि चिकित्सा का सर्वप्रथम ज्ञान अश्विनी कुमारों को ही प्राप्त हुआ था। बाद में चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी अश्विन कुमारों द्वारा धन्वंतरी भगवान यानी कि कुबेर देव के पास पहुंचती थी। यही नहीं, अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची से ब्रह्म विद्या का उपदेश भी प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेद में मंत्रों को स्थान दिया। इसी कारण से आज भी आयुर्वेद में मंत्रों द्वारा रोगों का इलाज संभव माना जाता है। अश्विन कुमारों ने ही अश्विनी कुमार संहिता का निर्माण किया था, जिसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है। अश्विन कुमारों ने किया था देवताओं का इलाज। देवासुर संग्राम में जब असुरों ने देवताओं को मृत्यु तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया था, तब अश्विन कुमारों की चिकित्सा के कारण ही देवता अपना बल वापस पा सके थे और इस युद्ध में विजयी रहे थे। और जब एक बार ऋषि दधीची का सिर कटकर अलग हो गया था, तब अश्विन कुमारों ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से उनका शीश उनके धड़ से दोबारा जोड़ दिया था। अश्विन कुमारों को नेत्रदाता भी कहा गया है, जिसका उदाहरण इस कथा से मिलता है कि राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या के आवेदन पर अश्विन कुमारों ने महान ऋषि च्यवन के नेत्र ठीक कर दिए थे और अंधेपन से उन्हें आजाद कर दिया था। यहां तक कि जब एक युद्ध में इंद्र की भुजा कटकर अलग हो गई थी, तब भी अश्विन कुमारों ने अपने उपचार से वह भुजा पहले जैसे ही जोड़ दी थी। ऐसी कई अनगिनत उपलब्धियां हैं जो अश्विन कुमारों ने की थी। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अश्विन कुमारों की पूजा करता है या उनका ध्यान करता है, उसे किसी भी प्रकार के रोग से निजात मिल जाती है। तो ये थी अश्विन कुमारों की कथा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।